स्क्वायर पाई बाय सिक्स इक्वल टू कितना हो गया, सिक्स। इसी में फिर अब आपका है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपको सिद्ध करना है टू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई फोर प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस टू सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री इक्वल टू टेन। तो हमने एलएचएस पार्ट लिया, टू साइन स्क्वायर, साइन इसको हमने लिख दिया थ्री पाई बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस टू कॉस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस टू सेक पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर। अब थ्री पाई बाई है तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख देंगे, साइन फोर पाई माइनस पाई अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस टू कॉस पाई बाई फोर यानी 45। 45 की वैल्यू होती है कॉस 45, वन अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू सेक पाई बाई थ्री का मतलब हो गया आपका 60। 60 है तो सेक 60, कॉस 60 की वैल्यू वन अपॉन टू, सेक 60 उसका उल्टा टू, टू का स्क्वायर। तो अब आपका क्या बन गया यहाँ पर, टू साइन, इसे हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, हमने फोर से अलग अलग डिवाइड किया, टू अपॉन टू प्लस टू इंटू फोर। तो अब क्या बन गया यहाँ पर, टू। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि पाई का फॉर्म है तो साइन का साइन ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस वन प्लस एट साइन पाई बाई फोर का होल स्क्वायर। साइन पाई बाई फोर फिर से वन अपॉन रूट टू, तो वन अपॉन रूट टू का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वन प्लस एट। अब क्या बन गया, टू अपॉन टू प्लस वन प्लस एट, मीन्स क्या हो गया, वन प्लस एट इक्वल टू टेन। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसके इक्वल आ गया ये, आर एच एस के। तो अतः आप लिखोगे टू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई फोर प्लस टू कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस टू सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री इक्वल टू टेन। अब आपका इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें मान ज्ञात करने हैं, जिसमें पहला है आपका साइन 75 डिग्री। अब देखिए साइन 75 का आपने मान नहीं पढ़ा है, तो हम इसे ऐसे दो कोणों के योग के रूप में लिखते हैं जिसका हमको मान पता है, जैसे 60 प्लस साइन आपका हो जाएगा, इसमें 60 प्लस में तोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 15, तो पॉसिबल नहीं है। अगर हमने 45 लिख दिया, 45 प्लस 30 कितना हो गया 75। तो अब हम यहाँ पर कौन सा सूत्र यूज़ कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का। क्या होता है सूत्र, अब जितने आप सूत्र लिखोगे उतने आसानी से याद हो जाते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, साइन 75 डिग्री का मान साइन ए 45 प्लस इंटू कॉस बी 30 प्लस कॉस ए कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू इंटू कॉस 30 व रूट थ्री अपॉन टू प्लस कॉस 45 वन अपॉन रूट टू साइन 30 वन अपॉन टू। अगर आप देखते हैं टू अपॉन रूट टू तो उनसे कॉमन, अंदर क्या बच गया, रूट थ्री प्लस वन। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, अतः साइन 75 डिग्री इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। और इसी में फिर सेकंड पार्ट है आपका, आपने इसमें वैल्यू निकालनी है 10 15 की। 15 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ 45 प्लस 15 किया, इसको आप लिख दीजिए 10, 45 माइनस 30। फिर हमने सूत्र पढ़ रखा है 10 ए प्लस ए माइनस बी का, क्या होता है 10 ए माइनस 10 बी अपॉन वन प्लस 10 ए 10 बी। तो ए की जगह 45, बी की जगह 30 रख दीजिए, तो आपके पास 10 15 का मान कितना हो जाएगा, 10 45 माइनस 10 30 अपॉन वन प्लस 10 45 इंटू 10 30। 10 45 की वैल्यू आपको पता है वन, 10 30 की वन अपॉन रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन इंटू वन अपॉन रूट थ्री। आप ऊपर ऐसे हम लेंगे तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री आएगा, ऐसी नीचे ऐसे हम लेंगे तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री से रूट थ्री क्या हो गया आपका कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बच गया,
रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। इसी में आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण करेंगे तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। हर के परिमेयकरण करने के लिए हर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन। तो अब आपका क्या बन जाएगा, ऊपर रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर हम ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर टू थ्री माइनस वन। तो बन गया फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू। आप यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल। तो अतः टेन फिफ्टीन डिग्री इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री। तो आज इस वीडियो को देख के आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहाँ पर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ सकते हैं।